शुक्र है चुनाव लड़ने आ गए, लोग कम से कम उससे आमने सामने तो बोलेंगे, दो चार सवाल पूछ लेंगे, ठीक है। चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, और भी कई लड़ने वाले होंगे, तो सबके लिए मौका है। लगता है एक महीने में आचार संहिता लग जाएगी, तो ऐसे समय पर घोषणाओं का क्या फ़ायदा है? ये घोषणाएं इसी तरह की हैं जिस तरह से 12 या 13 मार्च को मुख्यमंत्री का बदलना था, कि मुख्यमंत्री जी के बदलने से, नए मुख्यमंत्री के आने से पता नहीं कौन से समीकरण बदल जाएंगे, लोकसभा चुनाव उसके 2 दिन बाद घोषित हो गए थे। तो ये घोषणाएं अब जो आ रही हैं, ये तो अब महीने में आचार संहिता लग जाएगी, इन घोषणाओं के ऊपर कार्रवाई तो कुछ होनी नहीं। और लोग जो हैं, आप ये मान के चलिए कि लोगों का जो मन है, उनका जो मत है, जहाँ वो जाना है, उसका निर्धारण वो 6-8 महीने साल पहले कर चुके होते हैं। बहुत कम संख्या में लोग होते हैं जो इलेक्शन की घोषणा के बाद या इलेक्शन जब पास आए उस समय मत बदलें अपना। तो ये इस प्रकार से बिल्कुल आखिरी समय पे आके जब चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें की जा रही हैं, इनका अब कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें की जा रही हैं जिसके ऊपर 2 साल से बवाल मचा हुआ है। ये जितना भी लोगों को तकलीफ हुई है, ये प्रॉपर्टी आईडी की वजह से, परिवार पहचान पत्र की वजह से, ये सारा पोर्टल सिस्टम जो है इनकी वजह से, और मैं बड़े मुद्दों की तो बात ही नहीं कर रहा, जिसमें आपके किसानों के हैं, खिलाड़ियों के हैं, अग्निवीर का है, वो तो अपनी जगह है ही है। तो ऐसी स्थिति पे अब ये लिपापोती करके ये सोचें कि इलेक्शन से 1 महीना पहले घोषणाएँ करके इलेक्शन को साध लेंगे, तो ऐसा तो होता मेरे को दिखता नहीं, क्योंकि MSP पे तो अभी भी 16-17 फसलें तो पहले भी थी, अब 4-5 और उसमें जोड़ दी हैं। और सारी बात ये है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इससे बड़ा है, मुद्दा है MSP को कानूनी जामा पहनाने का। वो जब तक नहीं होगा तो ये इन चीज़ों से यदि सोचें कि जो किसान वर्ग है वो इससे सहमत हो जाएगा या मान जाएगा, ऐसा होने वाला है।